मैंने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, तंबाकू, गुटखा, सुरती नहीं खाई, जबकि मैं इंग्लैंड अमेरिका में भी पढ़ा। अगर मैं नशा पता करता तो अपनी पत्नी बच्चों से तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद से भी अपने आप से भी कभी आंख नहीं मिला पाता। मैंने जिंदगी भर कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मनगढ़ंत बातें की, और ना ही किसी बात को बढ़ाकर या घटाकर पेश किया। सपनों में भी किसी की चुगली नहीं की। मैंने कभी चोरी नहीं की, ना ही काम की चोरी, ना ही वस्तु की चोरी, ना ही कभी आलस किया, ना ही बहाना बनाया। काम से कभी भी जी नहीं चुराया, सपनों में भी कभी काम से जी नहीं चुराया, खराब सेहत में भी काम पर लगा रहा। मैंने कभी हत्या नहीं की, ना मन की मानसिक हत्या, ना कभी किसी की वचन की, किसी बात की वाचसिक हत्या, ना ही कभी अपने हाथ से, पैर से, काया से या कम्मिक हत्या, ना ही किसी के प्रति कभी मन में भी कोई हिंसक विचार उत्पन्न हुआ। यहां तक कि लोगों ने मुझ पर लगातार अत्याचार किए और उन्होंने कभी अत्याचार बंद नहीं किए, फिर भी मैं अहिंसावादी ही रहा, बुद्ध की तरह अटल। मैंने कभी व्यभिचार नहीं किया, ना मैंने कभी रिश्वत ली, ना कभी मैंने देश को छोड़कर भागने का सोचा, ना गलत काम किया, ना ही देश के कानून के प्रति गिद्धारी की। मंत्री पद छोड़ दिया पर गलत बात नहीं मानी, ना मनुष्य में भेदभाव किया, ना ही किसी का शोषण किया, और ना ही संविधान को बनाते समय मन में लेस मात्र भी ये बात रखी कि मुझे किसी अपने अत्याचार का बदला लेते हुए भेदभाव करना है। मैंने मनुष्य की भलाई के लिए सारे काम किए। पढ़ाई लिखाई एक ताकत है, सबको खूब पढ़ना चाहिए, जीवन की अंतिम सांस तक पढ़ते रहना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। पर कोई व्यक्ति अगर इन बातों में कमजोर सिद्ध होता है, जो मैंने ऊपर आपको 5 बात बताई, नैतिकता, सदाचार, सील, तो अनंत वो कमजोर कर्मचारी, गुलाम, दबा हुआ ही होगा, चाहे वो किसी भी महकमे और किसी भी ओहदे पर हो। वो औरों की तो सहायता की बात बहुत दूर की है, खुद अपनी और अपने परिवार की भी सहायता नहीं कर सकता। आप मेरे अनुयायी हो, मेरा ऋण चुकाने की सोचते हो, तो इन 5 बुराइयों को अभी से ही छोड़ दो, मेरा ऋण उतर जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दिन भर तुम मेरा झंडा उठाओ, नारे लगाओ, जय भीम गाओ, और शाम को दारू का पैग लगाओ, तो मैं उसी पल मर जाता हूं। तुम मारते हो रोज मुझे। सदाचार मेरी नैतिक ताकत थी, डिग्रियां उसमें सहायक थीं, इसलिए संसद में लोग मुझसे आंख मिलाकर बात करने की जरूरत नहीं कर पाते थे। जय बृहद भारत, जय सम्राट अशोक, जय बुद्ध।